गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू गाइस? हनी बनी, गुड मॉर्निंग। दुगु, वी आर गोइंग फॉर हेयरकट। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग निकल गए हैं पहले हनी बनी के हेयर कट के लिए। बहुत बड़े बाल हो गए उनके, बट लास्ट वीक ही हमारा प्लान था हेयर कट का, बट तबीयत खराब हो गई तो इस वीक जा रहे हैं। एंड करामा में एक किड सलोन है, वहाँ पे जाएंगे। बहुत अच्छा वहाँ पे हेयर कट वो लोग करते हैं, एंड ये कि जल्दी, बहुत जल्दी कर लेते हैं। आई थिंक दो तीन चार मिनट में ही कर लेते हैं ना, तीन चार मिनट में ही कर लेते हैं, क्योंकि हनी बनी बहुत ज्यादा रोते हैं। ये डर के मारे नहीं, पैनिक हो जाते हैं कि जो ट्रिमर जब चलता है ना, उसके साउंड से ही वो घबरा के रोने लग जाते हैं। तो अच्छा है कि जल्दी ही हो जाए वो, एंड एक साथ ही दोनों का हो जाता है तो चार पांच मिनट में खत्म हो जाता है। तो होपफुली ज्यादा भीड़ ना हो, हम लोग जल्दी फटाफट जाके आ जाएंगे। जीत का बिल्कुल भी मन नहीं है उनके हेयर कट का। दिल पे पत्थर रख के मैं उनके बाल कटवा रहा हूं। उनको पसंद है लंबे बाल बच्चों के, बट अच्छा नहीं लग रहा। अभी थोड़े वीक भी हो गए हैं तो लंबे बाल ऐसे कान पे आ रहे हैं ना, अच्छा नहीं दिख रहा है। ये एक बार अच्छे से करवा लेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर बाल उनके बढ़ाने हो तो। मेरे नहीं है बाल, कम से कम मेरे बच्चों के तो बाल हो। आपके नहीं है तो ये क्या है? मेरे भी तो कटवा देने सारे। मैंने आपके बाल कटवा दिए, खुद तो जाके हर हफ्ते पार्लर में काट के आती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद।
आज ही मैंने आप लोगों को बोला कि वो हेयर कट के टाइम बहुत रोते हैं, एंड आज ही वो बिल्कुल नहीं रोए हैं। शायद मेरे बच्चे थोड़े थोड़े समझने लगे हैं। वापस आके हनी बनी को पहले नहला के खिला दिया है। हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है अभी तक, बस नहा के आके एक एक बिस्किट ऐसे मुंह में डाल दिया है क्योंकि खाना नहीं बना है। तो आज क्योंकि किचन में है, देखिए कौन है किचन में, आज है शेफ जी। तो कुछ स्पेशल बन रहा है, क्या बन रहा है? इट्स स्पेशल मटन उड़ीसा स्टाइल, कोशा मटन, कोशा मंगशो बन रहा है कोशा मटन। तो उसके लिए चॉपिंग उन्होंने कर दी है, मैं नहा रही थी तो उन्होंने अनियन टमाटर चॉप कर दिया है। तो मटन करी आज, आज की जो रेसिपी है वो शेफ जीत शेयर करेंगे क्योंकि मैं आज किचन में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। मुझे पूरा क्लीनिंग करना है, एक हफ्ते से कुछ भी डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है घर का। तो अभी मैं जाऊंगी पहले बेडरूम क्लीन करूंगी क्योंकि हनी बनी अभी हॉल में खेल रहे हैं, तो पहले बेडरूम क्लीनिंग कर दूंगी फिर मैं हॉल में आऊंगी। तब तक जीत अपना कुकिंग करेंगे। तो यहाँ पे कुकर में मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया है। चीनी का कलर चेंज होने के बाद इसमें खड़े गरम मसाले जैसे कि तेज पत्ता, ब्लैक पेपर, इलायची, सिनेमन स्टिक, वो सब ऐड किया है। वो थोड़ा सा बस क्रैकल होने के बाद यहाँ पे जो अनियन स्लाइस करके रखा था वो ऐड कर दिया है। अभी विश्वजीत ने प्याज डाला है, तेल डाल के गरम मसाले डाले, खुशबू आई कि नहीं? देन प्याज डाल के बोल रहे हैं मटन की खुशबू आ रही है कि नहीं, मतलब बिना कुछ किए बस प्याज डालते के साथ ही मटन की खुशबू आ जानी ऐसे चाहिए। आती है सुन के क्या देखो, मेरा वैसे भी नाक बंद है सर्दी में, अभी खुल जाएगा, इसकी खुशबू से खुल जाएगा। तो मटन मैंने धो दिया है, चावल बिठा दिया है, एंड यहाँ पे आज हमारा पूरा वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, एक एक बार अभी चल रहा है, पहले से एक लॉट मैंने धो के रखा है, आज पूरा क्लीनिंग चल रही है घर की, एंड खाना बन रहा है इधर। सी यूजिंग शुगर कैन गिव यू द कलर व्हिच यू वांटेड। अगर आप चीनी को अच्छे से कैरमलाइज करोगे तो तेल गरम होने के बाद ही चीनी डाल दिया था, तो चीनी जैसे कैरमलाइज हो गया कलर उसका चेंज हो गया, तब उन्होंने अनियन डाला तो अनियन का कलर फट से चेंज हो गया। तो मटन का कलर बहुत अच्छा आएगा अगर आप चीनी यूज करेंगे तो। थोड़ी सी चीनी, ये बाबा शेफ विश्वजीत की रेसिपी है, नहीं तो चाशनी भी बन सकती है। पागल हो गया। तो चलिए, इनका मैं अगर ब्लॉग बनाऊंगी ना मटन करी का तो एक घंटे का ब्लॉग बनेगा पूरा। तो मैं थोड़ा सा, इफ यू वांट टू ईट गुड मटन, अगर आप अच्छा मटन खाना चाहते हैं तो आपको एक घंटा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अनियन देखिए अच्छे से भुन गया था, तो इसमें हमने अभी टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर जल्दी पकने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, एंड टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे करीब एक दो मिनट तक। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, एंड इसमें देन कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। आप मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हम थोड़ा सा कम ऐड किए हैं क्योंकि बच्चे खाएंगे। एंड मीट मसाला ऐड किया है, यहाँ पर रुचि का मीट मसाला ऐड किया है, आप कोई भी मीट मसाला ले सकते हैं। देन इसमें करीब 2 टेबलस्पून के आसपास जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते के साथ ही हम लोग मटन ऐड कर देंगे। मटन में पहले से ही थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, हल्दी एंड नमक दे के मैरिनेट करके रखा था, इसको अच्छे से भून लेंगे अभी। मटन डाल दिया है, देन क्या करना है? इसको कम से कम भी आधे घंटे तक धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। बीच बीच में अगर जरूरत पड़ी तो हल्का सा पानी, 2-3 स्पून ही पानी देना है, वरना पानी देने की जरूरत नहीं है, उस मटन से ही अपने आप पानी निकलेगा। तो ढक के उसको धीमी आंच में भूनना है बस। जब तक ये भुनेगा तब तक मैं जाती हूँ, अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि दी आपने कुकिंग कहाँ से सीखी, शादी से पहले सीखा था कि शादी के बाद? तो
मैं बता दूं, मतलब कुकिंग का नॉलेज था, एक कुकिंग का एक आइडिया थोड़ा सा अगर होता है ना तो आप कुछ भी बना सकते हो थोड़ा सा आइडिया खर्च करके। कुकिंग का ज्ञान ऐसे निकला था और ऐसे गया था, ऐसे आपने टीवी में देखा होगा ना कभी, ऐसे चुप रहो। तो शादी से पहले मैं मटन चिकन बनाती थी वीकेंड वगैरह में, वरना बाकी वैसे राजमा छोले इस सब का नॉलेज था, बट मैं ओडिया टिपिकल जो ओडिया जो खाना आता मैं कभी नहीं बनाती थी, हमेशा मम्मी बनाती थी। तो शादी के बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ये सब ओडिया खाना बनाने में, तो जब मैं किचन में जाती थी तो मम्मी को फ़ोन करती थी कि इसके बाद क्या डालूँ, मसाला कैसे पीसूँ, तो मम्मी ने मेरी हेल्प की है। एंड उस टाइम पे शादी के बाद 2012 की बात करूँ, मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था कि मैं यूट्यूब में सर्च करके खाना बनाना सीख लूँ, अभी तो सब कुछ यूट्यूब में आराम से कुछ भी नया डिश बनाना यूट्यूब में देख लो और बना लो। तो उस टाइम पे जीत ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मेरी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते देखो आ गए क्रेडिट लेने के लिए आ गए। अरे क्रेडिट नहीं, मैं बता रहा हूं, आशीर्वाद गया था। तो मटन मैं अपने स्टाइल में बनाती थी, एंड इनके घर में आके इनसे भी मैंने मटन बनाना सीखा, बट गुरु जो होता है ना, अर्जुन द्रोणाचार्य से आगे निकल जाते हैं वैसे ही होता है। तो शिष्य जो गुरु से आगे निकल जाते हैं तो वही हुआ है, इसीलिए अब वो किचन में नहीं आते हैं, वरना वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बट जो खाना बनाने के बाद का जो साइड इफेक्ट होता है ना, किचन की जो हालत होती है, इसलिए मैं इनको किचन में आने नहीं देती हूँ। तो अभी वीकेंड है तो चलेगा, अरे आज कभी कभी ऐसे वो भी मटन चिकन हो तो भी बनाते हैं, वरना ऐसे नहीं बनाते, लेकिन आता उनको सब कुछ है। तो बस यही है मैंने अपना जो कुकिंग थोड़ा बहुत मतलब बोलूंगी 40% के आसपास कुकिंग मैंने जीत से भी सीखी है। एंड हनी पनी का इधर खेल चल रहा है। अच्छा हाय पैसा जब डैडा घर पे हो तो मम्मा तो मतलब इनविजिबल हो जाती है। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ, जीत का तो अभी भूनने में ही आधा घंटा लग जाएगा, उसके बाद बस पानी ऐड करना है, सीटी एक सीटी लगा देना है और कुछ नहीं करना है, गरम मसाला ऐड करना है उसमें। ये देखिए, इसीलिए मैं क्लीनिंग रूटीन वीकेंड वीकडेज में करती हूँ। इनका शुरू हो गया, वन फेल डाउन एंड बम्प हिज हेड। नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द बेड। तो क्या करूं मैं, बेडशीट कैसे चेंज करूं, ये दोनों करने देंगे तो ना। चलो अच्छा है कि एक्टिव हो गए काफी। एक्चुअली जो हमारे जो क्लीनर है वो झाड़ू पोछा बर्तन करने आते हैं, बट वो सुबह आते हैं अराउंड 6:30 तक आ जाते हैं मॉर्निंग, एंड उस टाइम पे हनी बनी सो रहे होते हैं, जीत भी सो रहे होते हैं, तो इसीलिए इस रूम का बेडरूम का लाइट ऑन नहीं करते, जो बेड लैम्प का जो लाइट आता है उसी में ही वो क्लीनिंग करते हैं। इस वजह से मुझे हमेशा बेडरूम को क्लीन करना पड़ता है, एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार वैक्यूम करके पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि अंधेरे में एक बंदा, उसकी भी गलती नहीं है, वो कैसे क्लीन करेगा। हॉल तो अच्छे से करते हैं तो मुझे हॉल की इतनी चिंता नहीं है, तो इसलिए आज मैं क्लीन करूंगी।
अगर और उसको क्लीनर को भी बुलाया, क्योंकि सुबह आज आए नहीं थे तो उनको बुलाया 4 बजे, अगर होगा तो अगर ये दोनों फिर से 4 बजे का टाइम है उनके पास अवेलेबल नहीं था टाइम, अगर ये सो गए होंगे तो फिर से नहीं हो पाएगा, अगर वो जगे होंगे ये लोग तो वो अच्छे से डीप क्लीन वो भी आज मेरी हेल्प कर मतलब दोनों मिलके कर देंगे तो हो जाएगा। ओह नो डोंट डू दैट, तो अभी देखो यू गो एंड प्ले दैट सर प्ले एरिया, गो टू प्ले एरिया एंड प्ले देयर देयर, मामा विल चेंज बेडशीट, नो मामा विल चेंज बेडशीट। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान लाइक दिस जय हनुमान जय जय मटन इज गेटिंग नाइसली कुक विद अनियन जूसेस ओनली, देयर इज नो वाटर, कुछ भी पानी नहीं डाला गया है इसमें, इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला गया है, सिर्फ और सिर्फ अनियन जूसेस के साथ में और मटन जूसेस के साथ में जो एक्सट्रैक्ट्स निकल रहे हैं उसी में ही ये कुक हो रहा है। जब ये अच्छे से इसमें सारा पानी मटन और अनियन से डिस्चार्ज होके इसके साथ में कुक होके एवोपोरेट हो जाए, सूख जाए, तब आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहिएगा ताकि नीचे से लग नहीं जाए एंड अच्छे से मटन कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ढक के पकाएंगे, इसको ढक के पकाएंगे। हम लोग ओडिशा और बंगाल साइड के लोग मटन करी में आलू यूज़ करते हैं, आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो विश्वजीत यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा रहे हैं ताकि आलू के अंदर ही भी मटन का जो फ्लेवर है वो जा सके। स्किन के साथ यूज़ कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि जब सीटी लगाएंगे तो आलू ज़्यादा गल के फिर उसके जो ग्रेवी में ना घुल जाए, तो स्किन के साथ में रहेगा तो आराम से स्किन भी निकल जाएगा एंड आलू स्किन के अंदर ही रहता है, मटन के ग्रेवी का टेस्ट कुछ भी ख़राब नहीं करता है। फिर करीब आधा घंटे के बाद मसाला एंड मटन जो है अच्छे से भुन गए हैं, अभी पानी ऐड करेंगे, पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, हम थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं एंड आलू भी डाला है तो आलू जो है पानी सोख कर लेता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। पानी के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मसाले में एंड मटन में नमक ऐड किया था, बस चेक करके देख लेना कि कितने सीटी की ज़रूरत पड़ती है, हमें यहाँ पे 3 सीटी की ज़रूरत पड़ी थी। एंड ये देखिए करीब 3 सीटी के बाद मटन अच्छे से कुक हो गया है एंड यहाँ पे मैंने कैडमम सिनेमन यानी कि दालचीनी एंड इलायची कूट दिया है एंड इसको अच्छे से उसमें डाल दूँगी करी में एंड इसको करीब 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है उसमें आ जाए। mm-hmm.
सेवा बोल रहा है, मेरा अभी वीडियो मतलब मैं अच्छे से रेडी होके आऊंगा तो वीडियो लेना। ये शिवा है जो क्लीनिंग करते हैं हमारे घर की, तो सुबह नॉर्मली वो आते हैं बट आज लेट बुलाया क्योंकि बेडरूम की अच्छे से सफाई भी हो जाएगी, तो मैंने ये सब निकाल लिया था, वो अभी झाड़ू करके पोछा लगा देंगे। बस घर की हालत कैसी हो रखी है, तो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने उनको बुलाया है, वो क्लीनिंग कर देंगे वरना तो मैं खुद ही कर लेती। दो हेल्पिंग हैंड्स और टुगू, आर यू हेल्पिंग मम्मा? हनी बनी गाइस, लंच भी हो गया है एंड शिवा भी आ गया है, तो सारा वो अभी बेडरूम तो हो गया है, सामान तो रख दिया एंड हॉल तो ठीक ही है, तो वो थोड़ा बहुत बस क्लीन कर देगा। सो अभी हनी बनी को तो सुलाएंगे नहीं क्योंकि रात में जल्दी उनको सुलाना है, अभी अगर फिर सोएंगे तो फिर रात को लेट करेंगे तो आधे उनको कल से स्कूल जाएंगे, तो वही 9:30-10 बजे तक मैक्सिमम उनको सुला देना है, तो इसलिए अभी उनको जगा के रखेंगे, थोड़ा बहुत होगा तो बाहर जाएंगे, देखेंगे, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी तो खाने के बाद जो सुस्ती आ जाती है ना वो आ गई, तो चीज तो वही सोफे के ऊपर ही बैठ के लेट के टीवी देख रहे हैं और ये दोनों अभी यहाँ पे खेल रहे हैं। सो विद दिस आई एंड टुडेस ब्लॉग, होप यू हैव एंजॉयड। बहुत दिनों के बाद हमने भी हम चारों ने आज मतलब अच्छे से घर में ही सही बट फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ अवर ब्यूटिफुल फैमिली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, टू गो से बाय। पाउच से बाय, ओके से बाय, bye, subscribe, bunny come, bunny, bunny, chalo bye.